नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 16 मई सन 2022 आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं शेयर बाज़ार, कमोडिटी बाज़ार एवं कृषि जिंसों में क्या संभावना है, साथ साथ आपका राशिफल। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्व यानी 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियाँ 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि आज आपके लिए दिन संभवतः मिश्रित रह सकता है। 3 से 4 बजे के बीच में अतिरिक्त सावधानी रखिए। 2, 6, 10 ये है पृथ्वी तत्व की राशियां, वृषभ, कन्या और मकर राशि मिश्रित रूप की तरफ इशारा कर रही हैं। 2 से 3 बजे के बीच में रखनी है अतिरिक्त सावधानी। 3, 7, 11 मिथुन, तुला और कुंभ राशि ये है वायु तत्व की राशियाँ, आपके लिए दिन संभवतः अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन 1 से 2 बजे के बीच में अतिरिक्त सावधानी। 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि आपके लिए दिन संभवतः मुफीद ना रहे, परेशानियां बढ़ सकती हैं, लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लें। 12 से 1 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। अब कृषि जिंसों में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों आपको याद होगा वीट के ऊपर हमारे एक इंटरव्यू के दौरान हमने यही कहा था कि इस साल गेहूं का उत्पादन सरकारी लक्ष्य से कम हो सकता है, जो वो अक्सर सत्य साबित हो रहा है। सरकार ने भी गेहूं के उत्पादन में कटौती की घोषणा कर दी है, साथ साथ बड़ी तेज़ी से जो भारतीय गेहूं निर्यात हो रहा था उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाने की सरकार ने घोषणा की है, क्योंकि किसानों ने भारत सरकार को गेहूं पूरी तरह लक्ष्य के आधार पर पूरा नहीं माल बेचा है और ये लक्ष्य से पिछड़ रहा है। गौरतलब है 444 लाख टन का सरकारी खरीद गेहूं का अनुमान किया गया था और खबर मिल रही है कि किसानों ने माल सरकार को नहीं देके डायरेक्ट निर्यातकों को एवं व्यापारियों को माल बेचा, क्योंकि वहां अच्छे दाम मिल रहे थे, एमएसपीसी यानी न्यूनतम मूल्य से ज़्यादा दाम मिल रहे थे। 2015 का जो गेहूं का न्यूनतम एमएसपी है उससे अधिक माल बाज़ार में मिल रहा था, तो लगभग 180 लाख टन का ही गेहूं की खरीदी हो पाई है सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस समय तक। कुल मिलाकर रूस और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से काला सागर यानी ब्लैक सी के जरिए गेहूं के एक्सपोर्ट के अंदर भी परेशानियां हो रही है। इससे गेहूं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में लगातार ऊंचाइयां देख रहा है। मुद्रास्फीति के तेज बढ़ने की वजह से गेहूं के निर्यात पर रोक लगाना सरकार को उचित लगा। तो दोस्तों अब एक बड़ा प्रश्न ये भी उठता है कि अब भारत के गेहूं निर्यात पर रोक से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में गेहूं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका सीधा सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में गेहूं के दाम बढ़ सकते हैं और जून के महीने तक अनिश्चितताओं की स्थिति रह सकती है, क्योंकि जून के महीने में अर्जेंटीना का गेहूं बाज़ार में आएगा, उस वक्त तक गेहूं में अनिश्चितताएं बनी रह सकती है। समय से मुनाफा वसूल करना हमेशा ही बेहतर होता है। आज कैस्टर सीड यानी अरंडी के अंदर भी तेज़ी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता और जीरा भी मसालों के अंदर तेज़ी दिखा सकता है। शेयर बाज़ार के अंदर सरकारी क्षेत्र की कंपनियों पर नज़र रखनी उचित रहेगी। विशेषकर आप नज़र रख सकते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसे स्टॉक्स पर नज़र रखनी उचित रहेगी। मारुति सुजुकी के ऊपर भी नज़र रखनी उचित रहेगी, तेज़ी की संभावना है। ये था कृषि जींस एवं शेयर बाज़ार के का आज का विश्लेषण। दोस्तों आपको अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स अवश्य लिखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।